तो बेसिकली यार जिन लोगों ने भी यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड पार्ट देख लिया गाइस, ये है थर्ड पार्ट और इसमें मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि आगे का प्रोसेस क्या होगा। तो यही हम लोगों ने एप्लीकेशन क्रिएट की थी, इसका नाम मैंने बेसिकली इंटरनेट अर्निंग दिया है। आप लोगों ने जो भी नेम दिया होगा वो आप लोगों के ऊपर है। तो अभी तक हम लोगों ने इसका सिर्फ डिज़ाइन और सारे के सारे यहाँ पे पेजेस क्रिएट कर लिए हैं। अब जो बाकी चीज़ें हैं वो है गाइज, यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पे थोड़ी बहुत कोडिंग करनी पड़ेगी, फिर अपने एड्स वगैरह लगाने पड़ेंगे। आई थिंक मैंने आपको एड्स लगाना अभी तक सिखाया नहीं है। हाँ, अभी तक मैंने आप लोग को एड्स लगाना नहीं सिखाया, तो वो भी मैं आप लोग को बाद में सिखाऊंगा। अभी बेसिकली हम लोग थोड़ी बहुत यहाँ पे कोडिंग करना यहाँ पे सीख रहे हैं। तो ये है स्क्रीन वन, देख सकते हो। तो आप लोग भी स्क्रीन वन पर यहाँ पे क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो मैंने एक बटन ऐड किया हुआ है, होम। ठीक है, आपको क्या करना है देखिए, यहाँ पर बटन का नेम क्या है, कैपिटल एच और बाकी सब कुछ स्मॉल है। ठीक है, देख सकते हो कैपिटल एच है, बाकी सब कुछ यहाँ पे स्मॉल है। तो आपको सिंपली यहाँ पे ब्लॉक्स वाले ऑप्शन में जाना है। जैसे यहाँ पर जाओगे आपको सिंपली यहाँ पे एक बटन वन मिल जाएगा, आपको सिंपली इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद गाइस यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, देख सकते हो बिल्कुल ऊपर, व्हेन बटन वन क्लिक डू, ये आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, कंट्रोल वाले ऑप्शन में जाना है। पहले मैं गया बटन वाले ऑप्शन में, उसके बाद कंट्रोल वाले ऑप्शन में। यहाँ पे आके फिर आपको नीचे आना है, नीचे आना है, नीचे आना है, और यहाँ पे देख सकते हो आपको ओपन अनदर स्क्रीन, स्क्रीन नेम वाला एक मिला हुआ टैग, इसको आपको सिंपली यहाँ पे ले आना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीन का नेम पूछा है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, ये जो टेक्स्ट वाला ऑप्शन है इसको आपको सिलेक्ट करना है और बिल्कुल ऊपर चले आना है। देखिए ऊपर में चला गया, उसके बाद यहाँ पर इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो कैपिटल एच, बाकी सब कुछ स्मॉल, तो हमें होम लिखना है। तो मैं भी लिखता हूँ कैपिटल एच, बाकी सब कुछ स्मॉल। तो ये हमारा फर्स्ट पेज यहाँ पे रेडी हो गया है। बाद में हम लोग इस पे एड्स लगाना सीखेंगे, बट फिलहाल अभी हमारा फर्स्ट पेज यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब क्या होगा, बेसिकली जब भी कोई इस बटन पे क्लिक करेगा तो वो हमारे होम वाले बटन पे आ जाएगा, मतलब होम वाले पेज पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पेज है होम वाला। अब इसमें हम लोग को कोडिंग करनी है, जो कि थोड़ी यहाँ पर डिफ़िकल्ट हो सकती है, बट चिंता करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग को गाइस क्या क्या चीज़ें करनी है, हमें देखिए यहाँ पर वर्किंग वाला बटन भी, अभी हम लोगों को वर्किंग वाला पेज बनाना है और पेमेंट वाला पेज भी बनाना है और कॉन्टैक्ट वाला भी। तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट वाले पार्ट में बताऊंगा। ठीक है, बट अभी फिलहाल के लिए जितना भी हम लोगों ने यहाँ पे डिज़ाइन किया है वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो बेसिकली हम लोग को क्या करना है, टास्क वाले के लिए अभी हम लोग को डिज़ाइन करना है, बाकी सब हम लोग बाद में यहाँ पर कोडिंग भी करेंगे। ठीक है, तो टास्क वाले पर हमें सिंपली जाना है, हमें जाना है ब्लॉक्स वाले ऑप्शन में। ठीक है, यहाँ पर गए हम लोग देख सकते हो यहाँ पर क्या किया गया, मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा है व्हेन बटन वन क्लिक डू ओपन अनदर स्क्रीन। तो ये जिन लोगों ने पार्ट वन और पार्ट टू देखा होगा उन्हें मैंने यहाँ पे सिखा रखा है। फिर इसी तरीके से यहाँ पे टास्क वन में देखिए गए जहाँ पे हमें आना है। ठीक है, जब हम लोग क्या करेंगे, होम पे आएगा और कोई टास्क वाले बटन पर क्लिक करेगा तो उसके सामने टास्क वन वाली स्क्रीन खुल जाएगी। जैसे यहाँ पर टास्क पर किसी ने क्लिक किया, उसके सामने टास्क वन वाली बटन आ चुकी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर भी आपको सेम चीज़ करनी है। यहाँ पर इस बटन का नाम है टास्क टू। ठीक है, ये देखिए कैपिटल टी, बाकी सब कुछ स्मॉल है। तो हम लोग चलते हैं ब्लॉक्स में, फिर यहाँ से वही चीज़ करनी है, बटन उनको सिलेक्ट करना है और वन बटन वन क्लिक डू, फिर कंट्रोल में जाना है और यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है ओपन अनदर स्क्रीन। ठीक है, ये वाला सिलेक्ट कर लिया, फिर टेक्स्ट में जाना है और ऊपर बिल्कुल स्क्रोल करना है और टेक्स्ट का नेम हम लोग को क्या देना है, टेक्स्ट का नेम हम लोग को देना है टास्क टू कैपिटल टी, बाकी सब कुछ स्मॉल। तो इन चीज़ों का हम लोग को ध्यान देना है। तो टास्क टू हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया। ठीक है, तो हमारा एक और काम हो चुका। फिर हम लोग को जाना है गाइस यहाँ पे टास्क टू, जब इस बटन पे कोई क्लिक करेगा और टास्क टू पे चला जाएगा, फिर उसमें भी गाइस यहाँ पे कोडिंग करनी है। तो क्या करना है, ब्लॉक्स में आना है इसका, फिर हम लोग को सिलेक्ट करना है गाइस यहाँ पे। ठीक है, आपको सिलेक्ट करना है बटन वन, वन बटन वन क्लिक डू, फिर कंट्रोल में जाके ओपन अनदर स्क्रीन और फिर स्क्रीन का नेम देना है। ठीक है, ऊपर आ जाइए सबसे और स्क्रीन का नेम यहाँ पर क्या है, कैपिटल टी ए एस के टास्क थ्री। ठीक है, तो हमारा ये भी हो चुका। फिर इसी तरीके से करते करते टास्क थ्री, टास्क फोर, टास्क फाइव तक बना लेते हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझाऊंगा नहीं, आपको सिंपली यहाँ पर दिखाऊंगा। तो हम लोग टास्क थ्री में चलते हैं, सेम चीज़ हमें करनी है। अब हमें आना है सिंपली यहाँ पर बटन में, इसको सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल में ओपन अनदर स्क्रीन, उसके बाद फिर आते हैं टेक्स्ट में, टेक्स्ट में हम लोग को क्या डालना है, कैपिटल टी ए एस के फिर फोर। ठीक है, ये भी क्रिएट हो गया। फिर टास्क फोर में हमें जाना है, उसके बाद हमें यहाँ पे बटन वन पे आना है, वन बटन वन क्लिक डू, उसके बाद फिर दोबारा यहाँ पे आना है और इसे सिलेक्ट कर लेना है ओपन अनदर स्क्रीन, स्क्रीन नेम, फिर टेक्स्ट में आके दोबारा ऊपर आना है और फिर यहाँ पर हमें यहाँ पर नेम देना है, तो टास्क फाइव। ठीक है, फिर टास्क फाइव भी हम लोग आ गए यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पे दोबारा वही चीज़ करनी है हम लोग को। तो बस ये प्रोसेस जो है बस आपको रिपीट करना है जब तक मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो देख लीजिए कब तक करना है। इसको भी सिलेक्ट कर लिया हमने, टेक्स्ट को जाते हैं सिलेक्ट करते हैं और इसका डाल देते हैं टास्क सिक्स। ठीक है, तो अब आ चुका है टास्क सिक्स, यहाँ पर देख सकते हो। अब ये टास्क थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है,
अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई यहाँ पे। अब जब ब्लॉक्स में जाओगे उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे सिलेक्ट करना है वही चीज़ बटन वन क्लिक डू, उसके बाद दोबारा से ये चीज़ करनी है ओपन अनदर स्क्रीन, स्क्रीन नेम, टेक्स्ट यहाँ पे इस बार क्या डालना है, इस बार आपको टेक्स्ट डालना है WALLET वॉलेट, W कैपिटल है, ये चीज़ का हम लोग ध्यान रखेंगे ठीक है, स्मॉल नहीं है ठीक है, ये वाले स्मॉल नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे कैपिटल है, तो आप लोगों को क्या करना है यहाँ पे कैपिटल ही लिखना है, स्मॉल लिखोगे तो कोडिंग में प्रॉब्लम हो जाएगा, तो ये हो गया वॉलेट ठीक है। अब जैसे ही कोई यहाँ पे वॉलेट पे क्लिक करेगा उसके सामने पर वॉलेट वाला ऑप्शन आ जाएगा ठीक, तो इतना काम अपना हो चुका। उसके बाद एक और हम लोगों ने यहाँ पे बटन ऐड कर रखी है, तो सिंपली हम लोग करते हैं गाइज यहाँ पे ब्लॉक्स में चलते हैं, ब्लॉक्स में आ चुके हैं गाइज हम लोग यहाँ पे, ब्लॉक्स में आने के बाद क्या करना है वन बटन वन क्लिक डू ठीक है, वन बटन वन क्लिक डू, फिर हम लोगों को क्या करना है गाइज यहाँ पे जाना है ओपन अनदर स्क्रीन सिलेक्ट करना है, स्क्रीन का नेम, स्क्रीन का नेम हम लोग क्या डालेंगे यहाँ पर होम डालेंगे ठीक है, होम होम आप लोग को इस तरीके से दे देना है। अब यहाँ पे हम लोग को एक और बटन यहाँ पे ऐड करनी है ठीक है, तो हम लोग सिंपली यूज़र इंटरफेस पे जाते हैं, इस बटन को करते हैं सिलेक्ट ठीक है, इस बटन को हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे क्या करना है थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाता है, बेसिकली सबसे पहले तो हम लोग को यहाँ पर इसे ऐड करना पड़ेगा ठीक है, और इसका हम लोग को सबसे पहले साइज़ छोटा करना पड़ेगा, ये वाला जो चीज़ है इसका साइज़ हम लोग थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इसकी जो हाइट है इसकी हाइट हम लोग 20 एक बार चेक करते हैं, हम लोग इसकी हाइट 10 कर लेते हैं ओके, तो इसकी हाइट अब 10 हो चुकी है। और यहाँ पर भी हम लोग को एक चाहिए, इसकी भी हाइट हम लोग यहाँ पे छोटी कर लेते हैं, इसकी हाइट कर लेते हैं 12, सॉरी हाइट करनी है आपको चेंज, तो हाइट हम लोग करनी है इसकी 12 ठीक है, अपना काम हो चुका है, इसको ऑटोमेटिक कर लेते हैं ओके, तो ये अपना काम हो चुका। अब हमें क्या करना है बटन टू हम लोगों ने ऐड किया है ठीक है, बट उससे पहले क्या करते हैं लेआउट में चलते हैं, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट डाल लेते हैं ठीक है, इसकी भी हाइट हम लोगों को चेंज करनी होगी, तो सिंपली यहाँ पर आना है हाइट पे, इसका परसेंटेज करते हैं 10 ठीक है, ये हो चुका। बटन टू का हम लोग को नेम देना है, नीचे आना है नेम देने के लिए, ये देखिए टेक्स्ट में ये डालना है गेट पेमेंट ठीक है, ये हम लोग को टेक्स्ट डालना है, फिर इसका वही डिज़ाइन वगैरह कर लेते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर हम लोग कर लेते हैं ब्लू कर लेते हैं ओके, ब्लू से दिख नहीं रहा तो येलो कर लेते हैं ठीक है, अब दिख रहा है, इसको बोल्ड कर लेते हैं, इसका साइज़ हम लोग 20 करके हैं, करने के बाद इसका गाइस जो विड्थ है वो आपको फिल पैरेंट नहीं करनी है, इसका विड्थ आप लोग 50 कर लीजिए ठीक है, अब ठीक लग रहा है ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग जो भी आप लोग यहाँ पे कलर वगैरह डालना चाहते हो वो सब यहाँ से आप लोग यहाँ से डाल सकते हो ठीक है, तो अपना काम यहाँ पे हो चुका। अब ये तो अभी थोड़ी बहुत कोडिंग हो चुकी, अब बची क्या क्या पहले मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये हमारा होम है, सबसे पहले तो स्क्रीन वन, तो जैसे स्क्रीन वन पे कोई आता है होम पे क्लिक करता है तो हमारी होम स्क्रीन ओपन करते हैं, फिर कोई टास्क पे क्लिक करता है तो अपना ये टास्क वन ओपन होता है, फिर टास्क टू ओपन होगा, फिर 3, 4, 5 ऐसे करते करते 6 तक होगा, 6 में आने के बाद कोई वॉलेट पे क्लिक करेगा तो वॉलेट वाले ऑप्शन में आ जाएगा, और अपना वो यहाँ पे अपना जो भी पेटीएम नंबर जीमेल वगैरह देगा वो आपको यहाँ पे पेमेंट, वो फिर वो इस पर क्लिक करेगा तो आपके सामने डाटा आएगा, वो डाटा आपको कैसे मिलेगा वो सब मैं अभी आपको बाद में बताऊँगा ठीक है, तो वो सब चीज़ें मैं आप लोग को अभी बाद में बताऊँगा, अभी फ़िलहाल के लिए आपको एक और कोडिंग करनी है वो है वन बटन टू क्लिक ठीक है, यहाँ पर क्लिक करना है वन बटन टू क्लिक, पहले बटन वन था बटन टू, फिर वही करना है ओपन अनदर स्क्रीन, नीचे आते हैं ओपन अनदर स्क्रीन और स्क्रीन का नेम ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या करना है जब गेट पेमेंट पे कोई क्लिक कर देगा तो वो होम पे चला जाएगा ठीक है, तो ये भी अपना काम हो चुका ठीक है, तो जब वो गेट पेमेंट पे क्लिक करेगा उसके बाद वो आप होम पे आ जाएगा ठीक है, इतनी कोडिंग आप लोगों को करनी है ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग का एप्लीकेशन यहाँ पे वर्क करने वाला है। अब मैं आप लोग को बताता हूँ किस तरीके से हम लोग गाइज इसमें एड्स ऐड करेंगे ठीक है, अभी मैं आप लोग को एड्स ऐड करना भी बता रहा हूँ क्योंकि अगर मैं इसे बाद में बताऊँगा तो काफ़ी दिक्कत होगी, अभी मैं सिर्फ आपको बताऊँगा एड्स कहाँ कहाँ लगानी है, एड्स की कोडिंग मैं बाद में बताऊँगा ठीक है, एक वीडियो में बताएंगे तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर टाइम लग जाएगा, तो आपको सिंपली यहाँ पे नीचे आना है, नीचे आना है और यहाँ पे जाना है आपको एक्सपेरिमेंटल में, एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे देख सकते हो ऐड मॉब बैनर, आपको क्या करना है सबसे पहले हम लोग चलते हैं स्क्रीन वन, गाइस आपको स्क्रीन वन पे कभी भी ऐड नहीं डालनी बिकॉज देख सकते हो आप कोई भी कंटेंट नहीं है, इससे आपका अकाउंट यहाँ पर डिसेबल भी हो सकता है ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर कोई भी एड्स नहीं डालेंगे, हम लोग को एड्स डालनी है यहाँ से ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं एक ऐड यहाँ पर डालते हैं,
सिंपली यहाँ पे आ जाते हैं एक्सपेरिमेंटल में, और यहाँ पे एड मॉब बैनर को हम लोग सिलेक्ट करते हैं। इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग को इस कह रहे हैं कि हम लोग को कोई वायलेशन वगैरह नहीं करना, तो इसे ओके कर लीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा जो काम है गाइस, सबसे पहले तो होम पे आप लोग क्लिक कर लीजिए, होम पे क्लिक कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, मैंने होम पे क्लिक किया, नीचे आते हैं, यहाँ पर देख सकते हो आपको एक स्क्रोलेबल का ऑप्शन मिल रहा है, इसको आप लोग टिक कर लीजिए, और यहाँ पर अनस्पेसिफाइड दिख रहा है, ठीक है, तो इसको यही रहने दीजिए। तो अपना यहाँ पर काम हो चुका है, इसे स्क्रोलेबल आपको यहाँ पर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऐड लानी है, ऐड कैसे लाई, मैंने यहाँ पर सिंपली से ड्रैग किया, यहाँ पर कर लिया, एक नीचे भी डाल लेते हैं। ठीक है, अब दो एड्स आ चुकी हैं। अब मैंने स्क्रोलेबल क्यों किया, क्योंकि क्या होता है कभी कभार एड्स आती नहीं, तो जब कोई बंदा ये जब फ़ोन को ऐसे ऊपर नीचे करेगा तो उसे एड्स दोनों दिख जाएंगे। ठीक है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद आप लोग चाहें तो यहाँ पे एक इंटरस्टिशियल ऐड भी डाल सकते हो, जो फुल स्क्रीन वाला ऐड होता है। ठीक है, तो आपको सिंपली इसको भी ओके करते हैं और इसको यहाँ पर डाल देते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर डाल चुके हैं। ठीक है, अपना काम हो चुका है इतना, तो हम लोगों ने यहाँ पर इंटरस्टिशियल ऐड भी एक ही डाला है। ठीक है, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे टास्क वाले पे। ठीक है, टास्क वन पे चलते हैं हम लोग। तो टास्क वन पे हम लोगों को क्या करना है, ऐड डालनी है, तो वही सेम प्रोसेस एक्सपेरिमेंट में चलते हैं, और यहाँ पे ऐड मॉब बैनर का ऑप्शन आ चुका है, हम लोग यहाँ पर एड्स डाल लें। लेकिन ये एड्स गाइज कुछ ज़्यादा ही ऊपर आ गई, हम लोग को इसे नीचे लाना है। क्या करना होगा, जैसा कि मैंने बताया था, लेआउट वाले ऑप्शन में चलते हैं, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट सिलेक्ट कर लेते हैं, और इसका जो इसको फिर सिलेक्ट किया है मैंने, इसकी हाइट हम लोग बढ़ा लेते हैं, इसकी हाइट हम लोग कर लेते हैं 60, कुछ ज़्यादा ही हाइट हो गई, वो तो दिख ही नहीं रही एड्स, 40 करके चेक करते हैं, तो ये बिल्कुल सही आ रही है हाइट अपनी। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा और कम कर लेना पड़ेगा, मैं उसका रीज़न भी बताता हूँ, 30 कर लिया हमने। ठीक है, अब ये एड्स देखिए थोड़ी ऊपर आ रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक दोबारा एक्सपेरिमेंटल में क्लिक करेंगे, और यहाँ पर एड मॉब बैनर एक ऊपर भी डाल देंगे। अब देखिए काफ़ी सही तरीके से एड्स आ रही हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग को जाना है टास्क टू में, और टास्क टू में क्या करना है गाइस, हम लोग को जाना है एक्सपेरिमेंट वाले ऑप्शन में, यहाँ पर भी डाल देते हैं एक ऐड ऊपर और एक ऐड नीचे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम लोग टास्क थ्री में, टास्क थ्री में भी आना है, एक्सपेरिमेंटल में क्लिक करना है, ऐड मॉब बैनर नीचे और एक ऐड मॉब बैनर ऊपर। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, टास्क फोर में भी आ जाना है, एक ऐड मॉब बैनर ऊपर एक नीचे। ठीक है, सेम चीज़ करते जाना है, और एक ऐड मॉब बैनर नीचे। उसके बाद टास्क फाइव में भी सेम चीज़ करनी है, एक्सपेरिमेंटल में आ जाते हैं, और हमें जानना है ऐड मॉब बैनर एक नीचे करना है और एक ऐड मॉब बैनर ऊपर करना है। फिर वॉलेट में आ जाते हैं, नहीं अभी टास्क सिक्स बाकी है, तो इसमें भी सेम चीज़ करनी है, एक्सपेरिमेंटल और फिर वही एड्स यहाँ पर और एक ऊपर। ठीक है, हर चीज़ में स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, ताकि कोई ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग एक बैनर ऐड यहाँ पर सिर्फ एक डालेंगे, वो भी नीचे के साइड। ठीक है, अब यहाँ पे गाइस एक इतना काम हो चुका है। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा यहाँ पे डिज़ाइन करने की ज़रूरत है, तो पहले मैं डिज़ाइन कर लेता हूँ। तो सिंपली टास्क वन में आ चुके हैं, टास्क वन का डिज़ाइन हो चुका है। टास्क टू की बात करें तो इसका यहाँ पर एड्स हम लोग को डिज़ाइन करना है, तो सिंपली चलते हैं लेआउट में, और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट सिलेक्ट कर लेते हैं, और इसका हम लोग कर लेते हैं हाइट 30% एंड ओके। ठीक है, फिर टास्क थ्री में चलते हैं, वहाँ पर भी हम लोग को ऐड करना है लेआउट वाले ऑप्शन में हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, इसका भी हाइट हम लोग कर लेंगे यहाँ पे 30। फिर टास्क फोर, लेआउट हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट एंड देन इसका भी हाइट हम लोग 30 कर लेते हैं। तो ये ऐसे करते रहना है, टास्क फाइव में भी करना होगा सेम चीज़। तो इतना पोर्शन तो आप लोग चाहते हो स्किप भी कर सकते हो, वो आप लोगों के ऊपर करता है, डिपेंड करता है, अगर आप लोग अच्छे समझ आ रहा है तो आप लोग कर सकते हो, नहीं आ तो जो भी मैं कर रहा हूँ सब आप लोग वही कॉपी कीजिए। यहाँ पर गाइस इसका हाइट हम लोग यहाँ पर 30 नहीं करेंगे, इसका हाइट हम लोग 20 करके देखते हैं। ठीक है, 20 से भी फ़ायदा नहीं हुआ, 10 कर लेते हैं, सही रहेगा, हाँ 10 पे काफ़ी सही है। तो ये भी हो गया अपना टास्क फाइव। फिर टास्क सिक्स में क्या करना है, इसमें भी हम लोग आते हैं लेआउट हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, और ये काफ़ी सही है, पहले से इसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। फिर वॉलेट वाला ऑप्शन है हमारा, इस पर भी आ गए हैं, इसका भी अपना हो चुका है। अब हमारी एक कोडिंग बच रही है, वो भी कंप्लीट कर दें। आपको देखिए पे टास्क वाली एक मैंने विंडो ऐड करवाई थी, इस पर चलते हैं। यहाँ पे देखिए टास्क वन पे हम लोगों को आना है, ठीक है, तो गाइस हम लोग को टास्क वन पे आना है। तो गाइस आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत एक कोडिंग चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है, तो यहाँ पर कोडिंग क्या चेंज करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ।
तो ये जो गाइस हमने यहाँ पे टास्क होम वाली जो बटन थी, होम पे चलते हैं। यहाँ पे जो हमने ब्लॉक्स किया था, यहाँ पे टास्क की जगह हम लोग को टास्क करना है, ठीक है, TASKS करना है, ठीक है। ये चीज़ देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे टास्क वन नहीं करना है, ठीक है। तो ये कोडिंग आप लोग चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। फिर हम लोग टास्क वाली विंडो पे आ जाते हैं और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे टास्क वन डालना है, ठीक है। क्या करेंगे फिर हम लोग, सिंपली आपको पता ही चल गया होगा, व्हेन बटन वन क्लिक डू ओपन, और फिर कंट्रोल में जाना है, ओपन अनदर स्क्रीन, और फिर यहाँ पे टेक्स्ट में जाके यहाँ पर डालना है हम लोग को टास्क वन, ठीक है, कैपिटल T और टास्क वन, ठीक है। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी लेकिन अब मैंने इसे सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे कोई टास्क वन पे क्लिक करेगा तो वो चला जाएगा टास्क वन पे। अब यहाँ पर भी हम लोग एक एड्स डाल लेंगे, इसमें सिर्फ एक ही ऐड डालेंगे, ज़्यादा ऐड नहीं डालेंगे इस वाले विंडो पे, एक्सपेरिमेंटल में, और ये एड मॉब बैनर, ठीक है। बस अब ये तो सिर्फ गाइज हमारी एड्स हैं। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से हमारा ऐप दिखेगा। तो जैसे ही कोई यहाँ पे होम वाले बटन पे क्लिक करेगा, पहले तो उसे ऊपर भी ऐड दिखेगी, नीचे भी ऐड दिखेगी, ठीक है। फिर टास्क बटन पे कोई क्लिक करता है तो आ जाता है वो टास्क वाले पे, तो यहाँ पे एक ऐड दिखेगी उसे, और फिर वो टास्क वन पे क्लिक करेगा, फिर वो आएगा टास्क वन पे, यहाँ पर ऊपर और नीचे ऐड दिखेगी, ठीक है। फिर टास्क टू में भी सेम यही चीज़ होगी, फिर करते करते यहाँ पर वो टास्क सिक्स तक आ जाएगा, ठीक है। फिर वो वॉलेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेगा तो उसे भी यहाँ पर भी एक ऐड दिखेगी नीचे की तरफ, और फिर वो दोबारा से होम पे चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का भी एप्लीकेशन बना हुआ है। लेकिन फिर यहाँ पर एक और चीज़ बचती है कि हम लोगों ने इंटरस्टिशियल ऐड अभी तक ऐड नहीं किए हैं, ठीक है। तो किस तरीके से हम लोग इंटरस्टिशियल ऐड यहाँ पे ऐड करने वाले हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो हमने सबसे पहले होम पे सिर्फ एक इंटरस्टिशियल ऐड डाला, फिर हम लोग चलते हैं टास्क वन पे, फिर यहाँ पर भी एक डाल लेते हैं, ठीक है। देखिए मैंने एक डाल लिया, फिर टास्क टू में भी डाल लेते हैं, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल, और यहाँ पर ऐड कर लिया। फिर टास्क थ्री में भी इसी तरीके से करना है, इंटरस्टिशियल भी है, हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं क्योंकि इंटरस्टिशियल की अर्निंग ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसलिए इंटरस्टिशियल ऐड करना भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होता है, तो हम लोग यही जो है यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। तो टास्क सिक्स में भी कर लेते हैं। तो इस तरीके से सभी विंडो में गए जहाँ पे आप लोग ऐड्स कर सकते हो। ऐड्स आप लोग अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे जितनी मर्ज़ी चाहे डालो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ जो भी मैं बता रहा हूँ सेम उसी प्रोसेस से करो तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, अकाउंट सस्पेंड होने का चांसेस काफ़ी कम रहते हैं इससे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा काम नहीं हुआ, ठीक है। हम लोग एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो आप लोग एड्स देख रहे हो, ठीक है, जैसे मैंने इस एड पे क्लिक किया, यहाँ पर देख सकते हो टेस्ट मोड है, तो आपको क्या करना है, इसे हटाना है। इसी तरीके से इस वाले पे भी टेस्ट मोड है, टिक, इसे अनटिक करना है। फिर यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो टास्क है, इस पे भी हमारा, देखिए जो ऐड है यहाँ पर भी देख सकते हो टेस्ट मोड है, इसको सिलेक्ट करते हैं, इसका भी टेस्ट मोड है, ये सब आपको हटाना है, ठीक है। देखिए इंटरस्टिशियल का भी आप लोग को यहाँ पे हटाना पड़ेगा टेस्ट मोड, तो इस तरीके से आपको टेस्ट मोड सारे हटाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं टेस्ट मोड आपको हटा के दिखा रहा हूँ, सिंपली इस तरीके से आपको आपको हटा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हटा लेता हूँ, फिर यहाँ पर टास्क टू में से भी हम लोग गए, यहाँ पे हटा लेते हैं टेस्ट मोड सारे के सारे, ठीक है। तो इस तरह करते करते सारे के सारे आप लोग यहाँ पे टेस्ट मोड हटाने हैं, जिस तरीके से मैं हटा रहा हूँ सेम उसी प्रोसेस से आप लोग को वहाँ पर हटाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग हटा रहे हैं टेस्ट मोड, यहाँ पर भी हटाया, और सारी जगह से हम लोग को सिर्फ टेस्ट मोड हटाना है। अगर टेस्ट मोड नहीं हटाएंगे तो मेरे जो भी हमारा एप्लीकेशन होगा उसमें एड्स हो नहीं होंगे, और उससे हमारी जो है अर्निंग ही नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए टेस्ट मोड हम लोग हटा देते हैं। फिर हम लोग चलते हैं टास्क में, यहाँ पर भी हम लोग टेस्ट मोड हटा चुके हैं, वॉलेट में हम लोग टेस्ट मोड हटा दिए, ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी जगह टेस्ट मोड है उन सबको आपको हटाना है। अब ये वीडियो जो है उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, ठीक है, लेकिन जो नेक्स्ट वाला पार्ट होगा वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, बिकॉज अभी तक हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पे ऐड का डिज़ाइन किया है, मतलब किस जगह ऐड्स आएगा वो सब हम लोग देखा, लेकिन अभी तक अगर आप लोग अपना एप्लीकेशन यहाँ पे देखोगे तो उसमें ऐड्स अभी तक नहीं आएंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। इसके लिए भी थोड़ी बहुत आपको कोडिंग यहाँ पे करनी पड़ेगी। अब अपना कोडिंग वाला काम ज़्यादा नहीं रहा, सिर्फ ऐड्स के लिए कोडिंग की ज़रूरत होगी जो कि काफ़ी सिंपल है, तो आप लोग नेक्स्ट पार्ट में काफ़ी ईजी तरीके से समझ जाओगे। तो ये पार्ट आई होप यार आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ज़्यादा कुछ मैंने इसमें बताया नहीं, सिर्फ थोड़ा बहुत आपको डिज़ाइन करना बताया है, और उसके साथ साथ एड्स कैसे लगाते हैं वो बताया, और थोड़ी बहुत यहाँ पे कोडिंग मैंने आप लोग को सिखा दी। तो बस यार मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। सो गुड बाय गाइज़।